हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में, जिसमें हम जाने वाले हैं घाटकोपर टू थाने तक, जो कि साई सेवक का पालकी गया है। हमें यहाँ से जस्ट यहाँ से क्रॉस हुआ है, तो हम जाने वाले, उसे ज्वाइन करने वाले और देखने वाले वहाँ पे हमें क्या क्या देखने मिलता है। तो चलो जहाँ से हमने व्लॉग का शुरुआत किया था, वहाँ से लेके जहाँ तक हमारा नज़र जा रहा था, वहाँ तक हमें साई भक्त दिखाई दे रहे थे। मतलब आप यकीन नहीं मान सकते, मैंने इतना पब्लिक इतना चलते हुए कभी नहीं देखा। और आप जैसे देख सकते हैं, ये बाबा का बड़ा वाला मूर्ति जो एक साई रथ है एक्चुअल में, ये भी शिरडी तक जाएगा और इतना पब्लिक इसके साथ में है। मतलब आप देख सकते हो गाइस, ये है मेन रथ, जो साई सेवक का मेन रथ है वो हमें देखने मिला। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पब्लिक, साई भक्त इतने ज़्यादा साई भक्त इसके साथ जुड़े हैं और इतने चल रहे थे। देखो ये भी एक साई रथ था, तो मतलब ये कैसे है कि ये एक बड़ा पालकी है और जिसके साथ हज़ारों लाखों पालकियाँ जुड़ते रहती है। और इसको मतलब हमारे मराठी में बोलती है मानाची पालकी, तो ऐसे ये मतलब है एक जिसको एक रिस्पेक्टफुल देखते हैं। और वहाँ पर ये रामनवमी के दिन वहाँ पर पहुँचने वाला है शिरडी। तो सोचो गाइज, ये भी देखो कि मुझे एक पालकी, एक मंडल का पालकी मिला, जहाँ पे मैंने पैर अपना माथा टेका और प्रे किया कि मेरा वीडियो ऐसे ही आगे बढ़ने दो। मेरे साथ मेरा भाई भी था, उसने भी प्रे किया और फिर हम आगे चलते रहे। ओम साई राम, ओम साई राम। आता साई सेवक पालकी तो भेटली, तिथं दर्शन झाले, विक्रोळी मध्ये राऊट लई आहे। आता जरा थोडं पुढे आलो कारण की भावाचा जरा गरज होती पाणी पिण्याची, ते जरा सेवक म्हणून आम्ही त्यांना जरा पुरवायला चाललो पाणी दिली। तर दर्शन एकदम भारी झाले, आता बघू शकता थोडा दिसतो कारण की घरांची जिम्मेदारी थोडी पाणी पिण्याची, ते करून आम्ही तुम्हाला पालखी म्हणून। तो दोस्तों, थोड़ा काम निपटाने के बाद फिर से हम जुड़ गए थे कभी ना ख़त्म होने वाली इस स्वर्ग की यात्रा में, मतलब साई की पालकी में, जो पद यात्रा में। तो अब जैसे हम फिर से हमने जो चालू किया, फिर से हमें बड़ी बड़ी मतलब रोड, जब तक जहाँ तक मेरा नज़र जा रहा था वहाँ तक मुझे पब्लिक, मतलब साई भक्त चलते चलते नज़र आए थे। मतलब जहाँ तक मैं स्कूटी से चल रहा हूँ, पर जहाँ तक मेरा नज़र जा रहा था मुझे चलते हुए साई भक्त ही दिख रहे थे, और पूरा रोड पर और कुछ भी नहीं दिख रहा था, गाड़ियाँ और साई भक्त। और ऐसे तो ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते हमें और एक सुंदर सी पालकी देखने मिली, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी। इसका डेकोरेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसके लिए मैं थोड़ा पास जाके देख रहा था और मैं मतलब शौक हो गया कि इतना लोग चल के आ रहे, इतने पालकी के साथ इन लोग मॉर्निंग से चल रहे और इतना चल के भी उनका जोश कुछ कम नहीं हो रहा था। और इसी पालकी को देखते देखते मुझे शॉकिंग लगा कि मेरे यहाँ पर भी सब्सक्राइबर मिल गए, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ऐसे भी यहाँ पे भी हमारे सब्सक्राइबर मिल रहे, जो कि हमारा हालचाल पूछ रहे थे, हमारे पूछ रहे थे कि कैसा चल रहा है। तो थैंक्स ऐसे ही प्यार देने के लिए गाइज, ऐसे ही लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को आगे बढ़ाओ और ऐसे ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने दो। बाबा का आशीर्वाद था, इसी के साथ हम आगे बढ़े। तो यही चलते चलते मैं देख रहा था कि मतलब देखो यहाँ पर बैलगाड़ी भी देखने मिल गई, तो इसे देख के हम थोड़ा नाचे भी कि मुंबई में यूजली बैलगाड़ी देखने मिलती नहीं, तो ये भी हमें देखने मिल गई। और इसके साथ भी देखो जहाँ तक नज़र जा रही है पब्लिक ही पब्लिक, साई भक्त हमें देखते ही मिले। तो फाइनली देख सकते हो हम साई सेवक के पालकी के यहाँ पे पहुँच गए, जो कि पूरी चांदी की बनी है। और काफ़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद इस पालकी को खांदा देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, अंदर से इतना पॉजिटिव वाइब्स आ रहा था, उतना मैं हैप्पी हो गया ये सब करके। मतलब वो खांदा देने का जो फीलिंग था ना, और उसे टच करने का जो फीलिंग था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों।
तो जैसे ही साई के पालकी के पीछे हमें साई सेवक का साई रथ देखने मिला, जो कि काफ़ी सजाया था, लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी की थी और इतने उसके साथ इतनी पब्लिक उसे खींचते खींचते लेके आई थी गाइस। हाँ, ये इसे कोई इंजन नहीं लगा था, इसे खींचते खींचते लोग लेके आगे बढ़ रहे थे और इनका जल्लोश कुछ भी कम नहीं हो रहा था, इनकी एनर्जी थोड़ा भी कम नहीं हो रही थी, सब नाचते गाते हंसते जा रहे थे। तो इसी दौरान मुझे मेरे दोस्त भी मिल गए, जो कि मुझे देख के काफ़ी खुश हो गए और नाचने गाने लगे। और ये उन्होंने उनके मंडल का टी शर्ट पहना था, आओ साई उनकी पालकी का नाम है, तो वो भी हमें पालकी का नाम दिखा दिखा के नाच रहे थे और खुश हो रहे थे और उनमें भी काफ़ी एनर्जी थी, वो भी चल के आए थे। और ये आप देख सकते हैं कैसे ये फिर से हमें बड़े वाले बाबा का दर्शन हो गया, जो कि एक साई रथ है। इसके पीछे भी देखो हमारे दोस्त लोग नाचते गाते इसके साथ शामिल होके, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई मतलब कैसे चलना है कैसे, सब साथ में मिलजुल के चलते, इतनी पब्लिक एक साथ एकजुट होके चलती है। तो घाटकोपर से मैंने ये वीडियो का शुरुआत किया था और मैं फाइनली मुलुंड में पहुंच गया। मुलुंड में पहुंचने के बाद ही मैंने ये साई पदयात्रा में सबसे बड़ी साई बाबा की मूर्ति, मतलब पूरा रैली में मुझे ये सबसे बड़ी साई बाबा की मूर्ति दिखी, जिसके दर्शन लेके मैंने भी प्रे किया कि भगवान प्लीज़ मेरे वीडियो वायरल होने दो और मेरे इसी सब्सक्राइबर बढ़ने दो। हे गाइस, खत्म हो गया आज का ये व्लॉग, कैसा लगा आपको ये व्लॉग बताना जरूर। ये देखो साई दर्शन, ये है साई सेवक की पालकी, जो कभी ना खत्म होने वाली साई सेवक की पदयात्रा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और देखते हैं, बाय।